जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा महापुराण की कथा कहती है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपनी जिंदगी में। मान लो जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल 42 साल 35 साल 38 साल शादी नहीं हो रही, तो शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे कर देख, केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी, 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे उल्टा के बाद, इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको इस तरह से चढ़ाना। एक बार बाबा से प्रार्थना कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो, जब अमावस्या आए, किसी जलाशय सरोवर तालाब बावड़ी कुआं उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर आना। वो कार्य देव पितर का, वो देव पितर किस तरह से करेगा, बेटे की शादी बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल 42 साल 35 साल 38 साल शादी नहीं हो रही, तो कर देखना। एक बार बाबा से प्रार्थना कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है, बहुत। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बना हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं, अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है जिसके नीचे लड़का लड़की की भावर होगी, दूल्हा बैठेगा दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की हल्दी की रंगोली डाली जाती। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं ये हमको आटे की रंगोली डलने से, क्यों
शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियाँ आटे की रंगोली डाल देती है, उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहां पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। मैं संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहां संतान का सुख होता ही है। श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर कहा, दाग तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, और अगर 16 श्राद्ध में, मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधुजन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध, पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते। हेलो फ्रेंड, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।